पहला जो ऐप है किसान सारथी पोर्टल, यह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जारी किया गया। इसमें किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु था। सलाम दिल से पहल HDFC बैंक द्वारा, इसमें महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु। ला एम योगा ऐप नरेंद्र मोदी द्वारा, इसमें दुनिया के अलग अलग भाषाओं में एक सुख खाने के लिए। ला बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसमें COVID-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु। ला मनास ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य भलाई को पूरा करने हेतु। अगला नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा, इसमें सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु। हिट कोविड ऐप बिहार सरकार द्वारा, इसमें COVID-19 रोगियों की नियमित निगरानी रखने के लिए। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार द्वारा, दोस्त फॉर लाइफ CBSE के द्वारा, दोस्त फॉर लाइफ। ला मोमा मार्केट मणिपुर सरकार द्वारा। ला कोविड पोर्टल नीति आयोग द्वारा। ला सुपैक पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ला लिटिल गुरु ऐप बांग्लादेश द्वारा, भारत द्वारा विकसित है बांग्ला। ला पोषण ज्ञान पोर्टल नीति आयोग द्वारा। आई लर्न ऐप नागालैंड सरकार द्वारा। ला मेरा राशन ऐप भारत सरकार द्वारा। सतर्क नागरिक ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा। ला SME इंश्योर पोर्टल अलायंस इंश्योरेंस द्वारा। ला प्रणीत पोर्टल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ला बिमिन बिल ऐप गूगल द्वारा। FPO शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश द्वारा। लक्ष्मण रेखा ऐप IIT मंडी द्वारा। डीजी नेक्स्ट ऐप पंजाब सरकार द्वारा। जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लश्विन पोर्टल वंडर विंडर ऐप बिहार सरकार द्वारा। उद्यमी सारथी ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। अगला इंस्टा एफएक्स ऐप ICICI बैंक द्वारा। अगला श्रम शक्ति पोर्टल अर्जुन मुंडा द्वारा। अगला आई मोबाइल पे ऐप ICICI बैंक द्वारा। अगला PR इंसाइट ऐप पंजाब सरकार द्वारा। कोविन पोर्टल भारत सरकार द्वारा। डिजिटल ओशियन ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अगला सुगम भारत ऐप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा। मैप माई ऐप इसरो द्वारा। अगला कृषि संख्या ऐप भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा। टॉयकथन पोर्टल शिक्षा और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ई संपदा ऐप हरदीप सिंह पुरी द्वारा।